शुक्र करो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दिशा दिनेश कुमार, द वर्सटाइल गर्ल। एंड फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं कई स्पेशल जगह पे। आप लोग कमेंट करके, अगर मतलब शायद से मेरे टाइटल से पता चल ही गया होगा आप लोगों को कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बट स्टिल आप लोग गेस करो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। एंड ऐसा समझो कि वो ऐसे एकदम ठंडी जगह है। आई एम नॉट गोइंग टू कश्मीर एंड ऑल, बट हाँ ठंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और मैं, मी एंड माय मॉम, वी बोथ आर गोइंग। और अभी रात के, मतलब इट इज़ 4 o'clock अर्ली मॉर्निंग के। एंड लेट्स सी, हम लोग अभी फटाफट से, मतलब 7:20 की हमारी फ्लाइट है, 6:30 का बोर्डिंग है हम लोगों का। सो लेट्स सी क्या होता है, बिकॉज अभी हम लोग थोड़ा सा शायद लेट चल रहे हैं, बट स्टिल अभी ट्रैफिक नहीं है। वैसे अगर ये सेम फ्लाइट हम लोगों का इवनिंग का होता तो डेफिनेटली हम लोग इतना लेट हो जाते बिकॉज बहुत ट्रैफिक होती, बट अभी नो ट्रैफिक का टेंशन बिकॉज इट इज अ अर्ली मॉर्निंग। सो लेट्स सी, एंड बहुत एंजॉय करने वाले हैं। मैं कुछ बहुत स्पेशल चीज़ें आपको शेयर करने वाली हूँ, और शायद मैं आगे ऐसे ही व्लॉग में बोलते बोलते बोल दूंगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, इसलिए मैं अभी बता देती हूँ कि गाइज हम लोग जा रहे हैं दिल्ली, एंड दिल वालों की दिल्ली में हम लोग जा रहे हैं। एंड सेकेंड चीज़, हम लोग जा रहे हैं मंदिर, गुरु जी का मंदिर है जो गुरु जी का आश्रम है, जहाँ पे हम लोग गोरेगांव में जाते हैं, जो मेरे महादेव है उनका रूप है वो, तो महाशिव का रूप है, तो हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। तो गाइस जल्दी से, जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं, सॉरी सब्सक्राइब नहीं किया हो, वो लोग मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अनेबल कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको हमेशा आएगी। एंड सी यू गाइस। Hi guys, so we are here at the airport and look at this Christmas tree. This is so beautiful, so elegant, just looking like a wow. And here is my beautiful mother with me. And mama, how are you feeling? Wow, just wow. She's just a kid, guys. She's literally a kid. लाइक मम्मा के साथ घूमना है ना, तो आपको भी बच्चा बनना पड़ेगा बिकॉज शी इज जस्ट अ किड। सो वी आर हियर राइट नाउ एंड अभी हम लोग बोर्डिंग करेंगे। आई वॉज थिंकिंग कि सेल्फ चेक इन हो जाएगा यहाँ पे विद फ्रॉम मशीन, बट अफसोस इंडिगो का ही है, स्पाइस जेट का नहीं है, तो इसीलिए फिर अभी हम लोगों को क्यू में खड़े होना पड़ेगा एंड देन विल डू आर सेल्फ चेक इन, देन लेट्स सी। मेरा हाथ बहुत दुखता है यार इससे, पता नहीं लोग कैसे व्लॉगिंग कर लेते हैं। सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। मेरे पैर इतने दर्द कर रहे हैं। अब मम्मा गए हुए हैं चेक इन करने के लिए, बोर्डिंग पासेस लेने के लिए, बिकॉज मेरा शूज का वो सोल निकल गया, आई डोंट नो कैसे। टू मच परेशान खींचना बहुत बड़ा टास्क है। अभी मैं इसको जोर जोर से खींच के आई हूँ, इतना वहाँ से लेके यहाँ तक। बाय द वे गाइस, आई गॉट न्यू कैमरा मैन, जो मैं ऐसे कैसे ब्लॉग कर सकती हूँ, मुझे इसे ज़रूरी नहीं ऐसे पकड़ के रखना पड़ेगा बिकॉज माय मॉम इज हियर। Thank you.
ठंड है, मैंने जैकेट पहन लिया है, इवन मम्मा ने भी। तो ठंडी है यहाँ पे, इतनी भी ज़्यादा नहीं है, बट पता नहीं दिल्ली में क्या हाल होगा। सो वी आर ट्रैवलिंग विद स्पाइस जेट। कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप कमेंटिंग। तो अभी हम लोग फ्लाइट में बैठ गए एंड आई एम टू मच टायर्ड। व्हाट अबाउट यू मम्मा, आर यू टायर्ड? Are you tired? No. Why? She is just super amazing. Like, mama बिल्कुल थकती नहीं है यार। ये क्या होता है? So, I'll show you the night view, like early morning view. गाइस, सो फाइनली अभी हम लोग रेडी हो गए एकदम से। क्यूट क्यूट यार, पता है मुझे ना ठंडी वाली जगह ना इसीलिए पसंद है, बिकॉज मेरा ना चेहरा बहुत प्यारा हो जाता है। लाइक ये तो मैंने टिंट लगाया हुआ है, बट स्टिल मतलब मैं अपनी स्किन ना इसे नेचुरली देख पा रही हूँ कि बहुत अच्छी हो रही है। एंड लुक एट हु इज हियर, मम्मा। और सो फाइनली मम्मा ने ना मतलब नासिक में, मतलब हमारा होम टाउन है, मम्मा का गांव, मतलब मम्मा का घर है, हम मेरा गांव है, तो वहाँ पे ठंड होती है, बट मम्मा ने लाइफ में फर्स्ट टाइम इतनी ठंडी एक्सपीरियंस की। लाइक मतलब मतलब दिल्ली साइड, ये साइड मम्मा फर्स्ट टाइम आए। सो मम्मा आपको कैसे लग रहा है? वंडरफुल। ठंडी हो रही है सहन? हम लोगों का ना यहाँ पे मतलब रूम थोड़ा सा मैसी हो रहा है, हम लोगों को यहाँ पे हीटर मिला हुआ है, तो हम लोग वो हीटर ये कर रहे हैं। और मैं आपको यहाँ से ना पूरा मतलब शायद दिखेगा नहीं, बट फिर भी मैं आपको यहाँ का ना फॉग का ऐसा व्यू दिखाती हूँ। यहाँ पे पूरा फॉग हो रहा है, आप लोगों को आई डोंट नो दिख रहा है या नहीं कैमरा में, पर मुझे तो अब पता है गीज़र, मतलब मुझे ना बहुत कड़क गर्म पानी से नहाने की आदत है बहुत ज़्यादा, तो मैं नहाने गई और मैंने सोचा कि मतलब नॉर्मली आ रहा था, इतना बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा था, तो मैंने ना उसको बंद किया। मैंने सोचा उसको वापस थोड़ा सा और 2 मिनट गर्म होने देती हूँ, फिर वापस नल चालू करती हूँ, तो मैंने वो चीज़ किया और वो हुआ ही नहीं। और लिटरली गाइस, मैं मम्मी को बाहर से आवाज़ दे रही हूँ कि मम्मा नहीं आ रहा है। मम्मी बोल रही अभी मैं क्या करूँ, अब मैं रूम सर्विस को फ़ोन करूँगी और तू नहा रही है, वो अभी अंदर भी नहीं आ सकता, कुछ नहीं हो सकता, तू नहा ले। मैंने गाइस लिटरली ठंडे पानी से नहाया है, वो भी इतने ठंडे और इतनी ठंडी में, यहाँ पे लाइक -9 हो रहा है यहाँ पे। और अभी देखो मम्मा को वो जो मेरा जैकेट यहाँ पे पड़ा था ना, एकदम मैसी लग रहा था, तुरंत मम्मा ने अपने हाथ में ले लिया ताकि फ्रेम में नहीं आए। तो गाइज ऐसे ही ब्लॉग देखते रहिए, और अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मतलब इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है, तो आप लोग जल्दी से मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो करें, Disha_DineshKumar। सो अभी हम लोग जा रहे हैं गुरुजी के, फाइनली गुरुजी के बड़ा मंदिर, तो मिलते हैं गाइस वहाँ पे। पता नहीं भीड़ होगी नहीं होगी, आई डोंट नो क्या आने वाला, बस मुझे मज़ा आ रहा है। मुझे ना ये मतलब मुझसे ठंडी बर्दाश्त नहीं होती एक्चुअली, बिकॉज मुझे क्रैम्प का इशू है, मुझे बहुत जल्दी क्रैम्प आता है, बट स्टिल मुझे मेरी स्किन की वजह से ना, और मेरे बाल भी सॉफ्ट हो जाते हैं पता है ठंड में, तो मुझे मज़ा आ रहा है। मुझे, मैं दिल्ली थर्ड टाइम आई हूँ एंड आई एम जस्ट इंजॉइंग द वेदर। कीप वॉचिंग। आश्रम की पार्किंग है गाइस, ये पूरा जो पार्किंग दिख रहा है अभी यहाँ पे भी पूरा फुल है, ये सब पार्किंग गुरुजी के यहाँ का ही है। तो ये हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, ये पूरा गुरुजी के आश्रम का पार्किंग है, ये पूरा इतनी बड़ी पार्किंग है गाइस, और पूरा पूरा भर गया है, पूरा बहुत बड़ा है।
तो मैं अगर शूट कर पाऊँ तो दिखाती हूँ थोड़ा। ये शटल सेवा है, यहाँ से अंदर आश्रम की तरफ लेके जाएंगे और यहाँ पे पूरी लाइन लगी हुई है। अभी मम्मा लाइन में खड़ी है, अभी मैं जा रही हूँ। शुक्र करा गुरु जी थोड़ा शुक्र करा। मेरा सुखी रहे परिवार गुरु जी कृपा करो, सदा वसदा रहे करबार गुरु जी कृपा करो। गाइज आज लिटरली ऐसे लग रहा है ना भाग खुल गए मेरी किस्मत चमक गई। आज मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे पूरी महादेव की मेरे महादेव की वाइब आ रही है। जय गुरु जी, बहुत खुश हूँ मैं। गाइज शिवलिंग देख लो पूरा फॉग में, और ये यहाँ से रो है, और यहाँ से हम लोग अभी जाएंगे मतलब ऐसे घूम के जाएंगे अंदर। जय गुरु जी, या हर कोई पता आपको देखेगा तो जय गुरु जी बोलते हैं। ये देखो कितनी प्यारी है यार, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, पीसफुल। ठंड है और उसमें मतलब यू नो एक बहुत अच्छी वाइब, और उसमें गुरु जी और मेरे महादेव, वाह व्हाट अ कॉम्बिनेशन। हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, एंड इट इज डे 2 इन दिल्ली, और आज हम लोग जा रहे हैं गुरुजी का जो निवास स्थान है मतलब गुरुजी का गांव, तो हम लोग आज वहां पे जा रहे हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। और अभी हम लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली से निकल रहे हैं, यहाँ से मतलब 6 आवर्स का मतलब ड्राइव है, बिकॉज कुछ समथिंग 261 मतलब पकड़ लो 300 किलोमीटर है, एंड 6 आवर्स लगेंगे। हम लोगों ने कैब की हुई है, हम लोग कैब से जा रहे हैं अभी। और अब मैंने यहाँ पे पता है लाजपत नगर का मेट्रो स्टेशन भी देखा, चिड़ियाघर दिखाया, ये हम लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें देखी हुई है, मैं नहीं कैप्चर कर पा रही हूँ। बट पहले मतलब प्रॉपरली पहले दर्शन हो जाए, देन उसके बाद घूमना ही है। कल भी हम लोग घूमेंगे, तो कीप वॉचिंग गाइस। ये लाल किले की दीवार है, ये देखो, सी दिस ब्यूटी। मैं लास्ट ईयर हम लोग आए थे, मैं शिवम हम लोग सब आए थे ना, आपने मेरा वो व्लॉग देखा ही रहेगा शायद, उसमें मैंने डाला था हम लोग 26 जनवरी के दिन लाल किले तक आए थे, बट इतनी भीड़ थी और उन लोगों का कुछ वो चल रहा था, तो उसकी वजह से हम लोग जा नहीं पाए थे, नहीं देख पाए थे, बस ऐसे दूर से। अभी जैसे दीवार देखी है वैसे ही तभी भी दीवार देख पाए थे। फाइनली गाइस अभी 7 बज रहे और 7 बजे बंद होता है मंदिर, बट स्टिल हम लोग अभी पहुंच गए हैं यहाँ पे। और ये गुरुजी का गांव है जहाँ पे मतलब गुरुजी का बर्थ प्लेस है जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया था, और बहुत बहुत सुंदर लग रहा था दूर से, वहाँ पे पूरी लाइटिंग हो रखी है। तो ये महीने में एक ही बार खुलता है, बट इस बार नया साल का पहला महीना है इसके लिए यहाँ पे 2 दिन नहीं चली जाएगी, 2 दिन खुल रहा है ये आज और कल। तो हम लोग ऑलमोस्ट मतलब पहुँच गए गाइस, वेरी वेरी मच हैप्पी आई एम राइट नाउ। ये सब संगत जी है जितने भी है, ये लोग सारे संगत है। ये गुरु जी का, हाँ बस आ गया, ये गुरु जी का घर है। पूरा फॉग है यहाँ पे, ये सब कुछ फॉगी हो गया है। और अभी हम लोग गए थे बट हमारा दर्शन बाहर से हो पाया, बिकॉज वहाँ पे ना मतलब बंद हो गया था, हम थोड़ा सा लेट हो गए थे, बट कोई बात नहीं। और इतनी ठंड है, पूरा फॉग, सी दिस। अब मैं सूसू करने उतरी हूँ। तो गाइस तो फाइनली हम लोग आ गए हैं सरोजिनी मार्केट, और बहुत ज़्यादा ठंड है, और
लिटरली मुझे 5 सालों से इस मार्केट में आना था, मैं आज फाइनली आई हूँ। तो देखते हैं कैसा है मार्केट। भीड़ तो बहुत है बिकॉज आज संडे है। हेलो एवरीवन, एंड इट इज डे 4। आज हम लोग जा रहे हैं और मम्मा और मैं, हम दोनों जा रहे हैं अभी वापस गुरुजी के बड़े बड़े मंदिर जा रहे हैं। बिकॉज आज मंडे है और आज फुल डे, मतलब लाइक 8 to 7 तक, मतलब आज मंदिर चालू रहता है। तो हम लोग जा रहे हैं आज, मतलब अभी निकलेंगे तो इस उससे पहले गुरुजी का दर्शन करके निकले। फिर पता नहीं हम कब आ पाएंगे यहाँ पे, तो देखते हैं। अगर आज भी कुछ शूट करने मिला तो ज़रूर करूँगी। हाय गाइस, सो फाइनली वी आर लीविंग फ्रॉम दिल्ली एंड हम लोगों का बहुत अच्छे से दर्शन हुआ। एंड मुझे ये जो है ये वाला ब्रेसलेट, ये मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है। हम लोग जब गुरुजी के आश्रम गए थे, वो उस जब हम लोग फर्स्ट डे पे आए थे, तो हम लोग वहाँ पे खाना लंगर प्रसाद जब खा रहे थे ना, तो वो मंदिर में आपको ब्रेसलेट वाला नहीं मिलता है जल्दी, तो मैं हम ब्रेसलेट वाला ब्लेसिंग नहीं मिलता। तो हम लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, खा रहे थे लंगर प्रसाद। तो जो मेरे सामने वो 4 लोग एक थाली में खाते, तो तभी ना जो हमारे सामने बैठे थे ना, उनसे ऐसी हमारी बातचीत चालू हुई। तो उन्होंने मुझे खुद से वो दिया, ये वाला ब्रेसलेट, एंड उन्होंने बोला कि आप बहुत लकी हो कि आपको इस मंदिर में ब्रेसलेट वाला ब्लेसिंग मिल गया, बिकॉज वो हर किसी को नहीं मिलता। सो आई एम टू मच हैप्पी। तो ये मेरा पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस था, और यहाँ पे रह के मुझे बहुत सारी चीज़ों का क्लोजर मिला हुआ है, तो मैं बहुत खुश हूँ। एंड मम्मा आपको कैसे लगा? ब्लेस्ड। मम्मा सिर्फ एक ही वर्ड पे चलती, एक ही वर्ड मम्मी के मुंह से निकलता, उसके अलावा कुछ बात नहीं करेंगे कैमरा पे। तो भाई बहुत, मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, बहुत मज़ा आया। बहुत ठंड है यहाँ पे, बट स्टिल इट्स ओके, वी आर गुड टू गो बैक टू होम। हाय मम्मा, मैरी क्रिसमस। हाई गाइज, सो फाइनली वी आर एट दिल्ली एयरपोर्ट एंड हम लोग जैसे ही अंदर आए ना, इतनी गर्मी हो रही थी, जैकेट वैकेट हम लोगों ने सब निकाल दिया है। अब हमारा चेकिंग वगैरह सब कुछ हो गया है और बहुत टायर्ड हूँ। फिर हम लोग अभी लाउंज ढूंढ रहे हैं, सो लेट्स सी। मैं वो पूरा जितना भी, मतलब सरोजिनी वाला जो है ना, वो मैं सेपरेट ब्लॉग बनाने वाली हूँ, तो आप मेरा नेक्स्ट ब्लॉग का वेट करना। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में सरोजिनी का हॉल दिखाऊँ। हाय गाइस, तो फ्लाइट हमारी डीले है एज़ यूजुअल, 5:25 की फ़्लाइट थी हमारी, और अभी ये हो गई है 6:35 की। तो मैं अभी ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, बिकॉज मैं इतनी टायर्ड हो गई हूँ ना कि अभी मुझे बिल्कुल भी फ़ोन यूज़ करने का मन नहीं कर रहा। फ़ोन में बैटरी भी लो है और अभी मैं थोड़ा सा ना सोना चाहती हूँ, बिकॉज मेरी नींद नहीं हो पा रही है। तो मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय व्लॉग। और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहे, लाइक शेयर कमेंट करें, और कुछ न्यू आइडियाज़ अगर आपको मेरी ब्लॉगिंग के थ्रू देखने हैं तो आप लोग मुझे कमेंट करो कि आप लोग क्या और स्पेशल देखना चाहते हो, लाइक ट्रैवल व्लॉग, क्या डेली व्लॉगिंग वगैरह, जो भी कुछ देखना चाहते हो आप लोग कमेंट करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।